मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में शहर के सैकड़ों चार पहिया वाहन धारकों ने अपने वाहन में सीएनजी गैस किट बिठाई है, लेकिन पिछले कई महीनों से चार पहिया वाहन धारकों को सीएनजी गैस मुहैया नहीं किया जा रहा है। शहर के अधिकांश वाहन धारकों ने इसकी शिकायत शहर के निस्वार्थ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सचिन घोड़े से शिकायत की है, जिसके बाद फाउंडेशन के दर्जनों कार्यकर्ता सीएनजी प्रबंधन से मिले और उन्हें मांगों का निवेदन दिया। यदि मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। पेश है सीएनजी ऑफिस से संवाददाता संजय मिरे की ये ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। निस्वार्थ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सचिन घोड़े के नेतृत्व में वीटा भट्टी चौक स्थित ऑटोमोटिव रोवमेंट ऑटोमोटिव सीएनजी पंप के मैनेजर को नागपुर के वाहन धारकों को तत्काल सीएनजी गैस उपलब्ध कराने की मांग करते हुए निवेदन दिया। राज्य के बाकी शहरों में जो सीएनजी गैस के दाम लिए जाते हैं, ठीक उतनी ही सीएनजी गैस के दाम लिए जाएं, अन्यथा शहर की जनता सीएनजी गैस को लेकर शहर के सभी सड़कों पर तीव्र आंदोलन छेड़ेगी। ऐसा इशारा भी इस मौके पर फाउंडेशन की ओर से दिया गया। राज्य के उपराजधानी तीनों सीएनजी गैस पंप पर सिर्फ ऑटो को ही सीएनजी गैस दिया जा रहा है, जबकि शहर भर में अधिक संख्या में सीएनजी गैस के चार पहिया वाहनों की अधिक संख्या है। गैस उपलब्ध कराने के लिए चार पहिया वाहन धारकों को तारीख पे तारीख दी जा रही है। इतना ही नहीं तो नागपुर शहर में सीएनजी गैस के दाम कई अधिक गुना लिए जा रहे हैं। इस प्रकार की कई शिकायतें निस्वार्थ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सचिन घोड़े इनसे शहर के लोगों ने की थी। शहर में बड़ी संख्या में चार पहिया वाहन धारकों ने पैसा खर्च करके अपने वाहन में सीएनजी गैस किट बिठाई है, बावजूद इसके अब वाहन धारकों को सीएनजी गैस नहीं मिलने से शहर की जनता में सीएनजी प्रबंधन के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनता से अपील करते हैं कि वाहनों में सीएनजी गैस का उपयोग करें, तो दूसरी ओर शहरवासियों को सीएनजी गैस नहीं मिलने से रोजाना उन्हें तिल तिल मरना पड़ रहा है। सीएनजी गैस नहीं मिलने से और सीएनजी गैस के प्रबंधन द्वारा जारी अड़ियल रवैये से शहर के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। कभी भी लोगों का गुस्सा फूट सकता है, इस प्रबंधन कमेटी ध्यान दे और जल्द से जल्द शहर के लोगों को किफायत दामों में सीएनजी गैस उपलब्ध कराए, यही समय की मांग है। शहरवासियों को सीएनजी गैस नहीं मिलने से हजारों लोगों के वाहन घर के सामने में एक सफेद हाथी जैसे खड़े हैं। इस ओर सरकार ध्यान दे, सीएनजी अथॉरिटी ध्यान दे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिलाधिकारी विमला आर, महाव्यवस्थापक सीएनजी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, इन्हें भी निवेदन दिया गया। इस मौके पर शिष्टमंडल में फाउंडेशन के दिलीप काष्टे, प्रशांत राउत, शुभम हटवार, गोपाल हटवार आदि मौजूद थे। परसों के दिन आंदोलन किया था निस्वार्थ फाउंडेशन के माध्यम से कि पिछले डेढ़ महीने से नागपुर में रॉ मैट के कंपनी जो सीएनजी बेचती है, लेकिन नागपुर के कस्टमर को किसी को गैस नहीं मिल रही थी। हमने परसों दिन बहुत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज हमारा आंदोलन सार्थक हुआ। आज सभी आपको गाड़ी देख रहे हैं, सब एक के पीछे एक, सब गाड़ी लगी, हमारे कस्टमर है यहाँ पे गाड़ी में है, तो पूछ सकते हैं। आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है डेढ़ महीने के बाद में? डेढ़ महीने का बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डेढ़ महीने तक परेशान थे हम लोग कि डेढ़ महीने तक हमको मिल ही नहीं रहा था यहाँ से। अच्छा, गुजरात से आते हम लोग तो सीएनजी का बोलते कि सीएनजी मिलता है नागपुर में। कई बार आपको वापस गए? कई बार वापस, मतलब अनेकों बार वापस गए यहाँ से। हम रेट के बारे में भी सोच रहे हैं, 111 जो रेट है, 111 कोई रेट होता है सीएनजी का? आप देखो, इनका जो हेड ऑफिस है गवर्नमेंट, उनके पास गए, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि नितिन गडकरी साहब का ये सपना था कि नागपुर अच्छा बने, स्मार्ट बने और यहाँ पे सब जाके सुख सुविधा मिले, सीएनजी भी मिले, लेकिन यहाँ पे जो उनका सपना था वो निकल रहा है। इसलिए हमने परसों दिन चेतावनी दी इनको, ये कंपनी वाले को, ये डेढ़ महीना हो गया, बहुत हो गया, अभी आप ऑटो वाले को दे रहे हैं, कार वाले को दे नहीं रहे, लेकिन हमारा इन्होंने कहना माना और आज इनके आप सबसे गाड़ी लग रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है कि हमारा आंदोलन सार्थक हुआ है। निस्वार्थ फाउंडेशन के माध्यम से ये रॉन्ग मैट करके कंपनी सीएनजी पिछले डेढ़ महीने से यहाँ पे पूरे कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर भैया है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, डेढ़ महीने से इनको सीएनजी गैस नहीं दी जा रही और लोग पूरे रापर लोग परेशान हैं इनसे। ये लोगों ने जबरदस्ती से किट लगाने को बोला है और लोगों ने किट लाया है। ये लोग सिर्फ ये पंप वाले सिर्फ ऑटो वाले को दे रहे हैं, ये ऑटो वाले सब यहाँ पे अप्रूव है। हमारा कहना है कि आप यहाँ पे बोर्ड लगाओ कि हम ऑटो वालों को देंगे, कार वालों को देंगे नहीं। गडकरी साहब का सपना था कि नागपुर का शहर में सीएनजी सबको लागू होगा और पूरे महाराष्ट्र में इनके जो रेट है यहाँ पे 111 है और पुणे में रेट और बॉम्बे में रेट 67 रुपीज है। ये हमारे नागपुर वाले के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, एप्लीकेशन हमारा लिया एक्सेप्ट लेके आया, हम यहाँ पे मैनेजर नहीं बोलते, हम टेक्निकल टीम है। अब हम श्रीराम टावर में जा रहे हैं उनके हेड ऑफिस में और हम न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे पूरे नागपुर कस्टमर पूरे खौफ में है, टेंशन में है,
तो हम न्याय मांगने को, हम माननीय गडकरी साहब को, कलेक्टर साहब को, महाव्यवस्थापक को, माननीय चंद्रशेखर भावकर साहब को सारे की ओसी देने की कोशिश कर रहे वाले कि हमको न्याय मिले और हमारे कस्टमर को जल्द से जल्द उनको सीएनजी गैस मिले, ये हमारी कोशिश है। यहाँ पे कस्टमर है, इनकी बात बताओ आपको कब से नहीं मिल रहा, पास आज कस्टमर हो गए, डेली आ रहा हूँ, डेली वापस जा रहा हूँ, बस गैस भर लो।